अनुज गार्डन के सभी दोस्तों को और एक बार ढेर सारा प्यार और आप सबों के सपोर्ट के लिए हमेशा शुक्रगुजार। तो आइए आज हम बातें करेंगे इस क्रिसमस कैक्टस के विषय में। जी हाँ, ये मेरे कैक्टस के प्लांट्स है। कैक्टस कहने से ये मत सोचे मेरे दोस्तों कि ये रेगिस्तानी फूल है। ये हमारे ही जगहों में होने वाले एक कैक्टस है जिसे हम क्रिसमस कैक्टस कहते हैं और आप सभी प्राय इसे पहचानते होंगे। ये कई रंगों में फूल देती है, लाल, सफेद और मिक्सर कलर्स में। जी हाँ, मेरे पास भी ये कैक्टस है और मैं इसे आज करूंगी रिपोर्टिंग, जो ये हमें बहुत ज्यादा फूल देगी दिसंबर के महीने यानी कि क्रिसमस के टाइम में। तो यदि हमें ज्यादा फूल चाहिए तो इसे देख रेख भी करनी चाहिए, है ना। तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे इस क्रिसमस कैक्टस की रिपोर्टिंग। यह क्रिसमस कैक्टस बोलिए तो यह एक सकुलेंट जाति का भी प्लांट है। देखिए, ये इसके भीतर में पानी भरा हुआ है। तो इसके लिए मैंने कंपोस्ट तैयार किया है, लीफ कंपोस्ट, और साथ में थोड़े से रेत और गार्डन सोइल मिलाया है। इसके लिए मैं मिट्टी बनाऊंगी और इसे आज रिपोर्टिंग करूंगी। इसे हमें नए पौधे पाने के लिए इस प्रकार तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं और यहीं से हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से प्रकार टुकड़े कर हम बहुत सारे प्लांट पाएंगे। तो मेरा सोइल मिक्सर तैयार हो चुका है, अब इसमें पॉट में लगाऊंगी। देखिए, मेरा ये पॉट लॉकडाउन के कारण मुझे हैंगिंग पॉट नहीं मिला, तो मैंने इसी को तैयार किया है। यहाँ पर एक मैंने छिद्र बना लिया है, इसमें मैं यहाँ मिट्टी भरूंगी मेरे मिक्सर सोइल। तो मैंने इसे पूरी तरह से मिट्टी भर दिया है। अब यहाँ देखिए मुझे कितने सारे प्लांट्स मिलेंगे। इस प्रकार से टुकड़े कर मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगाऊंगी हल्के से। मेरा प्लांट लगाना रेडी हो गया है। अब इसे मैं अपने इस हैंगर में लगाऊंगी जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, पीवीसी पाइप और प्लास्टिक के रस्सी की मदद से। इस प्रकार मैं सारे पॉट को हैंगिंग करके रखूंगी जो दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा फूल देंगी। तो मैंने सारे पॉट में क्रिसमस कैक्टस को लगा दिया है चारों ओर से, जिसे ये झूल कर अच्छी तरह खिल जाए। अब मैं इसे हैंगिंग में लगाऊंगी। तो मेरे दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ हैंगिंग में लगा दिया है ये क्रिसमस कैक्टस। तो जब ये खिलेंगे तो उसका अपडेट मैं आप सबों को दे दूंगी। तो अनुज गार्डन के लिए आपके प्यार ऐसे ही बना रहे। तो मेरा वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।